Setan ini sini kok. Koi baat hai koi baat. Apna driver. Nahi na aise nahi yahan nazar aayega. Kitna imandar hai. No cheating. Ab theek hai. Kaise baat hai? Main batao bhai. Tide kar diye bhai. Ko bhai. Oye 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 bhai. देख रहे हैं अभी तो देख रहे हैं। जो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा, मैं मेमोरीज़ वगैरह दिखाई आपको, तो दरअसल में ये वो चीज़ें थी जो मतलब इन यादों से मैं निकल नहीं पा रहा। तो पूरा दिन का अगर मैं फारिग होता हूँ तो अक्सर ये मेरे दिमाग में आके हिट करती हैं। तो ऐसे ही ये एक बार हिट कर रही थी, तो मैंने सोचा इस पर ना एक वैसे ही टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील बना देता हूँ। तो मैंने वो अपलोड भी की, जो आप सबको वहाँ पर काफ़ी पसंद आई। भी कुछ आपका रिस्पॉन्स ऐसा था कि हम रीयूनाइट हो जाएं। तो सही बताऊँ, मेरा तो काफ़ी दिल कर रहा है मतलब रीयूनाइट होने का। इधर आकर काम वगैरह शुरू किया था, ये वो चीज़ें। लेकिन पता है एक चीज़ है जो इंसानी नेचर में, जिसे काम में उसको मज़ा नहीं आ रहा होता तो वो करने का दिल ही नहीं करता। फिर यहाँ पर रह के वो एक बोरियत ही है। वो मेरे छोटे भाई है तो सही, एक पढ़ाई करता है और दूसरा फ़िलहाल गया हुआ है छुट्टियाँ गुजारने अब मामू की तरफ। तो वही सीन, अकेला इधर उधर फिरना, बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी तो अभी फ़िलहाल। और सही बताऊं, अभी भी मेरे माइंड में यही चल रहा है, हम इस टाइम उधर क्या करते थे। हम इस टाइम उधर मिलके खाना पका रहे होते थे। मतलब मेरा तो आपको पता ही है खाना मैं कैसा बनाता था। फुल ऑयल की बाल्टी डाल देता था यार, बस क्या करूँ, जितना तजर्बा था बनाता था। तो फिर मुबीन भाई बनाते थे खाना, फिर बाकी मिलके सब्जियां काट रहे होते थे। और हाँ, ये जो सा स्टार्टिंग में आपने देखा ना कैमरे एंगल वगैरह, ये वो, तो वही मेरे पास बात आ गई, कोई था नहीं। और मैंने यकीन करो, इतना सा बच्चा छोटा सा, उसे कैमरा पकड़ाया हुआ था। तो इस चीज़ को भी इग्नोर करना अगर अच्छी नहीं लगी, वो बस ट्राई था। इसलिए ट्राई किया कि आप लोग को ना मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहा था कि मैं क्या आजकल फील कर रहा हूँ। और इस यही वजह है जो मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव नहीं रह रहा। मतलब अकेला कुछ करने का इधर दिल नहीं कर रहा होता है। टिकटॉक या इंस्टा की वीडियो होती है वो शॉर्ट्स ही होती है, वो कुछ ही देर में बन जाती है। तो इसलिए वो अपलोड कर रहा था, लेकिन अकेला रह के मैं कुछ नहीं कर सकता। जो इस बोरियत भरे यार दिन में, और मैं क्या करूँ। हाँ, एक काम करता ना, थोड़ी पेट पूजा कर जाता हूँ। तो चलो मैं साथ कुछ लेने चलते हैं खाने के लिए।
खैर अभी यार मेरी हालत को इग्नोर करना, क्योंकि आजकल मेरे दिन कुछ ऐसे गुजर रहे हैं ना कि मैं सुबह उठता हूँ और जैसे ही उठता हूँ कभी मैं धूप में बाइक में इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, यानी थोड़ा सा सफ़र नहीं होता, काफ़ी दूर दूर का होता है, और फिर जाकर मैं रात के तकरीबन 8, 7, 9:30 ऐसे जाके बाइक की जान छोड़ता हूँ। तो ये भी कुछ रीज़न है धूप में फिरने का, मेरी ये हालत, मुंह के 12 बजे हुए हैं लेकिन खैर। और अभी आप यही सोच रहे होगे कि यार ये कौन सी हरकत कर रहा है, मतलब बोर हो रहा हूँ तो जाके बिस्किट उठा के खाना शुरू हो गया या खाने पीने की चीज़ें जो ले आया। तो यार ये ना मैं आजकल बहुत हरकत कर रहा हूँ, इससे मुझे ना बहुत चीप डोपामिन मिलता है, तो ये मैं बस ये मुझे आखिरी बार बिस्किट खाते देख रही हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं खाऊँगा, ये मैं मर्द की ज़बान दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और फिर बस यार मेरे दिन की रूटीन इधर कुछ ऐसे गुजर जाती है, और कई बार इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, दिल करता है अभी बोरिया बिस्तरा उठाऊँ भागूँ और वापस चला जाऊँ। ये थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी दिख रही है ना मेरी ग्लासेस, इसका भी रीज़न ये है, वो मैंने एक इंस्टा पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था मैं गिरा हूँ बहुत बुरे तरीके से, तो ये तब से टेढ़ी हुई पड़ी है। तो यार जैसे कि फिर आजकल ईद का माहौल बना हुआ है और रास्ते में चलते फिरते तरह तरह के खूबसूरत जानवर देखने को मिलते हैं, बाकी ये थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ा ये नेचर में आ जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं। और फिर जैसे कि मैंने बताया मेरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, अभी भी मैं बाइक पर ही हूँ रात में। और यार मैं बता रहा हूँ ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना, मैंने बोरिया बिस्तरा उठा के मैं क्या बोलूँ, मैं भाग जाऊँगा जो मर्ज़ी हो फिर देखी जाएगी, खैर है। और अभी भी मैं किसी काम से ही आ रहा था वापस और फुल थका हुआ था, मेरे मुंह की हालत से देख ही रहे हो गए आप। तो ये भी कुछ रीज़न है मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सकता अकेला, आखिर क्या करूं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना और लाजमी बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।